दंतेवाड़ा के स्वास्थ्य कर्मचारी समस्त कर्मचारियों में आंदोलन किया, जिसमें शासन का ध्यान लंबित मांगों की तरफ आकर्षित किया और कहा कि 23 सूत्रीय मांगों को लेकर स्वास्थ्य कर्मचारी विगत सालों से शासन से पत्राचार और धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपनी मांग रखते हुए हैं। वहीं लेकिन शासन ने कोई ठोस निर्णय नहीं लिया। स्वास्थ्य कर्मचारी ने कहा कि वेतन विसंगति दूर करने, महंगाई भत्ता बढ़ाने, मकान भत्ता बढ़ाने और संविदा कर्मचारियों का वेतन सहित नियमितीकरण सहित 23 मांगे शामिल हैं, जिसको हम फिर से याद दिलाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। संयुक्त कर्मचारी संघ के द्वारा एक दिवसीय यहां धरना प्रदर्शन किया गया है कि हमारे सर बताए हैं 23 सूत्रीय मांग है अपना। और जैसे आप लोग को सबको पता है कि कोविड काल में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। आज तक कोरोना काल में हमने, आपने देखा होगा, जब कोरोना काल पीक में था, सिर्फ स्वास्थ्य विभाग ही एक ऐसा विभाग था जो अपनी जान जोखिम में डाल करके सेवाएं दे रहा था। हमारे तो टोटल 23 मांगे हैं जो कि हर कर्मचारी वर्ग के लिए है। तो उसमें से एक मांग तो ये था कि कोरोना भत्ता हमको नहीं दिया जा रहा है। हम लोगों ने हमेशा से ही 2 साल से हम लोगों ने मतलब पूरा जी जान लगा के काम किया है, जोखिम में काम किया है।